हरियाणा विधानसभा का 15वां सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र के दौरान नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी चुना गया है। करनाल के घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हरविंदर कल्याण ने कुर्सी ग्रहण करते हुए अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा डिप्टी स्पीकर बने हैं। हरविंदर कल्याण तीसरी बार लगातार घरौंडा से विधायक बने हैं। हरविंदर कल्याण का इसलिए भी बनना तय हुआ है क्योंकि माना जा रहा था कि जाति और भौगोलिक समीकरणों के दृष्टिकोणगत भाजपा द्वारा गठित मंत्रिमंडल में रूढ़ बिरादरी को अभी तक कोई स्थान नहीं मिला है। वहीं हरियाणा विधानसभा सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि इस लोकतंत्र की इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा के 15वीं विधानसभा के लिए हरविंदर कल्याण जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं उन्हें पूरे सदन और भाजपा की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आपने अपने अनुभव, कार्यशैली, विनम्रता जैसे अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनवाते हैं। हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सीधौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप झारखंड से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक अनुभव है। आप झारखंड से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक समझ रखते हैं। गत 10 वर्षों में अनेक संसदीय समितियों में आपने विधायी कामकाज को पूरी निष्ठा से किया है।